शुभ नाम बताओ। मेरा गुड्डी नाम है। गुड्डी क्या होता था आपको, मेरे पास क्यों है? मैं बहुत परेशान हूँ 28 साल से। 28 साल से परेशान थे, तो परेशानी को डॉक्टरों को दिखाना चाहिए था। सबको दिखाया था, किसी से कुछ नहीं होता था। क्या क्या डॉक्टर को दिखाया, कौन कौन से डॉक्टर को? विकासपुरी में सीआरपी कैंप के सामने हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर विक्रम थे, डॉक्टर बीना थी, डॉक्टर सरदार जी थे, उनको दिखाती रही काफी साल तक, नहीं आराम हुआ। फिर मैं एक बार ज्यादा क्या बताते थे, कहते थे अब ठीक हो जाओगे, अब ठीक हो जाओगे, अब की बार आपको पैरों की दिक्कत है, कभी किसी की, कभी कहते हैं कि शुगर बढ़ गया आपका, और दवाई दे दी तो शुगर गायब हो गया, और फिर दवा जब दोबारा गई शुगर चेक कराया तो फिर काफ़ी शुगर हो गया। ये सब कब से चल रहा है, 28 साल से ही? नहीं, तो उसके अलावा किस डॉक्टर के पास गए? उसके बाद में फिर हॉस्पिटल है माता रूप रानी मग्गो। हाँ, माता रूप रानी मग्गो। हाँ जी, डॉक्टर अमन है। हाँ। उनके पास में 18 दिन भर्ती रही हॉस्पिटल में। अच्छा, तो हाँ जी। वो क्या, किस चीज़ का इलाज करते रहे आपका? उन्होंने बताया कि आपको खून का पानी बन गया है, अच्छा। किडनी वगैरह सब फेल हो चुकी हैं। हाँ। तो उन्होंने भर्ती रखा 18 दिन, तब फिर डॉक्टर दीपक आए थे। हाँ। उन्होंने राजस्थान से बुलाए, उन्होंने मुझे ठीक करा, फिर मैं कुछ 2 साल ऐसे चल गई, उसके बाद में मैं फिर परेशान होने लगी। तो ये जब डॉक्टर दवाइयाँ देते थे कुछ दिन ठीक हो जाते थे, फिर वापस वैसे ही हो जाता था? फिर वैसे ही वापस हो जाती थी। तो ये लंबे समय से दीर्घ अवधि से चल रहा था? ये मैं मेरी शादी के 1 साल बाद ही से, 1 साल बाद से शादी के, हाँ 1 साल बाद से ऐसा चल रहा था। मुझे परेशानी होने लग गई, मेरे ससुराल वाले भी सब मुझसे झगड़ा करने लग गए, पर मैं किसी से कुछ कहती नहीं थी। मैंने कि चलो किसी दिन तो सुधार हो जाएगा मेरा, पर मुझे पता था कि मैं बीमारी नहीं है कोई भी, कोई भी चीज़ मुझे परेशान करती तो दिखाई देती थी। फिर, अच्छा, हाँ जी, फिर भी आप डॉक्टरों के जाते रहे? अब डॉक्टरों के मेरे पति नहीं मानते थे, जो कहते कि मर जाएगी, बच्चे कौन पालेगा, जल्दी से चल। हाँ। तो भर्ती करते थे, जैसे हॉस्पिटल में गई तो आपका पैसा खर्च तो हुआ होगा कम से कम 20 लाख रुपया। जब से मेरे पास आए हैं आपने परिवर्तन क्या है, और क्या क्या चीज आपकी ठीक? जब से मैं बहुत ठीक हूँ। क्या क्या ठीक हुआ? मेरा पूरा शरीर ही ठीक है। पूरा शरीर ही? हाँ जी, अब कभी कभी मेरे को दिक्कत होती है। तालियां बजा दो भाई, एक तो पूरा शरीर बोले सनीदेव महाराज की। ठीक किस तरह की दिक्कत हुई है, क्या अभी आप दवाई खाते हैं? जो डॉक्टर दवाइयाँ दे देते थे वही दवाइयाँ खाती थी। अब तो नहीं खाते? अब सिर्फ अब शुगर की दवाई ले रही हूँ, तो उस दिन चेक कराई हूँ तो 500 शुगर बता दिया। और वैसे मैं खून से जो चेक करवाया था तो उसमें कहते हैं कि 170 आ रहा है। कोई डॉक्टर कुछ शुगर बताता है, कोई कुछ बता देता है, मतलब उनके संयंत्र ठीक नहीं है, उनके माप के यंत्र ठीक नहीं। आप शरीर में क्या महसूस करती हैं, आप कुछ प्रकार की बीमारियाँ महसूस करती हैं? मेरे को कोई बीमारी नहीं शरीर में, बीमारियां महसूस। मेरा अपना दिल कहता है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं, बस एक ही बीमारी थी और वो मन भैया के यहाँ गए। हाँ जी। तो ये डॉक्टर ने इतने साल इलाज किया, जो पैसा गया तो व्यर्थ ही गया। आपको मूल में तो निगेटिविटी थी और डॉक्टर निकालते रहे दूसरी बीमारियाँ। डॉक्टर बीमारी कुछ बताते थे और मेरे को जो नहीं होती थी वही बीमारी। कई बार मैं डॉक्टर साहब से कहा भी, मुझे आप इसकी दवा दे रहे हो, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर तो कहते कि आप डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं, ये भी कहते थे, फिर दवाइयाँ दे देते थे। दवाइयाँ देते, मैंने पर्ची फाड़ के फेंक के उनके पास चली आई, कई डॉक्टरों के पास, 10 डॉक्टरों के पास पर्चियाँ फाड़ी। डॉक्टरों के कुछ के और भी नाम बताएंगे आप? ये एक तो यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टर उज्जवल। हाँ। उनको भी दिखाया मैंने। पर्ची किस किस के सामने फाड़ी? उनके स्टाफ के सामने। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर नहीं है तो आप दूसरे को दिखा दो। मैंने कहा मैं उनसे बात करूँगी, मेरे को परेशानी नहीं है, फिर दवाइयाँ वो क्यों दे रहे हैं? उन्होंने उन डॉक्टर का सामना नहीं कराया तो मेरे को गुस्सा आ गया। हाँ। फिर मैं पर्ची फाड़ के भी फेंक के। आप जैसी व्यथा कितनी माताओं बहनों की होगी, पता तो है ही ना? बहुत ज्यादा। आज आपने क्या देखा यहाँ जो शनि धाम में मनु भैया जी कर रहे हैं, वो क्या देखा? जब मैं रात में ज्यादा परेशान होती हूँ, आपको याद करती हूँ, तो आपके जहाँ धाम में आ जाती हूँ, यहाँ पर आते ही आप मुझे बचा लेते हो। जय शनि, क्यों मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता ना करो। आपका पूरा स्टाफ आता है, भैया आते हैं, सूरज भैया आते हैं, पूरा स्टाफ आता है, और मैं कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और मेरा वादा खरा वादा है, ऐसा ही है, वाकई में आपको कुछ होने नहीं दिया जाएगा। और जो भी आते हैं मेरे पीछे मुझे मारते हुए, कोई पत्थर मार रहा है इतने बड़े बड़े, तो मेरे सवेरे फिर पैरों से चला जाता है, सब कुछ नेगेटिविटी दिखाई देती है, बिल्कुल देती है। जय शनि, जय शनि।